एक बार ट्राई मार लेते हैं बाइक ऑन करके। सब्सक्राइब टू YPM व्लॉग्स एंड लाइक द बेल आइकन। आज की हो रही है दिन की स्टार्टिंग सीधा 5 बजे और मैं फिलहाल अभी जा रहा हूँ नीचे। लिटरली जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है ना, जिसमें हम सारे दोस्त हैं, जैनल भाई, चिराग, गोपाल, सारों ने भाई ऐसे रिव्यूज दिए हैं इस वाले कवर के कि मेरा ना कवर हटाने का ही मन कर गया। कह रहे तूने फोन की ये कर दिया वो कर दिया, तो मैंने सीधा फोन का कवर हटाया। एंड बाय द वे वेल, सो व्हाट इज अप गाइस, YPM व्लॉग्स बैक हियर। तो फिलहाल आज ये सीन है कि जो अपनी H2 है ना वो ऑन नहीं हो रही है लास्ट एक हफ्ते से, और मैंने भी ऐसा सोचा कि आज जब करनी होगी कर लेंगे, बट अंकल ने आज बोला मेरे को स्ट्रिक्टली कि पापा बोल के गए हैं कि गाड़ी आज ऑन करनी है कुछ भी हो जाए। तो बस जाके नीचे करते हैं H2 का ऑपरेशन और करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। सो लेट्स गो। हेलो मम्मा। हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, चाय पी रही हूं। पहले मम्मा कैमरा देखती है, फिर उसके बाद मम्मा अपना जवाब उसी हिसाब से देती है। मेरे को ना मम्मा ने एक काम दिया है, पहले वो काम करने जा रहे हैं हम। बाकी अंकल जी, आपको मेरी कैंटी मिली थी यहाँ पे जो पड़ी हुई थी, आपको गाड़ी में गिर गई थी? हाँ भैया। तो खा गए हो गए आप? नहीं भैया, खाने उसमें चींटियां लग गई थी इसलिए उसको फेंकना पड़ गया। चींटी तो नहीं लगी थी, अभी अभी कह रहे थे मैंने दो निकाल के खाने की कोशिश करी लेकिन उसमें चींटियां दिख गई, तो खाने की कोशिश करी। ये अंकल जी क्या डब्बे ढूंढने जा रहे हो आप? डब्ल्यू ढूंढने, उसके नीचे 10 करोड़ रुपए हैं। तो भाई अभी बना रहे हैं बढ़िया से मेरे लिए कोल्ड कॉफी। अब बस यहाँ से कोल्ड कॉफी लेके निकलते हैं, बस आज ना बाइक ऑन करनी है। पापा को कह रहे थे बाइक ऑन करने के बारे में, काफी दिन हुआ जी बोल रहे थे कि मुझे फोन करा आज की बाइक ऑन क्यों नहीं हो रही आजकल, इसे तो मैं नीचे आया हूँ। कितनी चमक रही है यार अभी ये, लेकिन ये अभी ऑन इसलिए नहीं हो रही बिकॉज इसकी जो बाइक की बैटरी है वो डाउन है, या इसके जो पेच है ना बैटरी टर्मिनल के वो ढीले हैं, तो इनमें से कोई एक चीज है। तो अभी अंकल जरा कवर हटा रहे हैं ऑडी का, बिकॉज इसके बाद मैं ऑडी निकालूंगा, बट इतना जरा बाइक को हमको पहले ये खोलना पड़ेगा, फिर सीट खोलेगी, फिर देखते हैं ये क्या सीन बनता है। एक बार जरा बाइक ऐसी भी ऑन करके देखते हैं। एक बार जरा ट्राई मार लेते हैं बाइक ऑन करके। इधर आओ अंकल जी, वो कनेक्टेड नहीं टर्मिनल्स, मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, कुछ आई नहीं रहा सामने। सीन क्या है कि इसका जो टर्मिनल है ना प्लस वाला, उसमें एक छोटा सा पेच निकला हुआ है, इसलिए ही बाइक ऑन नहीं हुई है। आपको दिखाता हूँ, जो अंकल से पेच गिर गया था बस वही दिक्कत है और कुछ नहीं है। पहले हम कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए बिकॉज बाइक ज्यादा निकलती ही नहीं है अब आजकल, तो वो भी सही है ना, पापा भी खुश रहते हैं बाइक निकलती, सिर्फ घर में खड़ी हुई है। ये सीट ऐसे निकल आई और अब आपको दिखाता हूँ, ये इसकी बैटरी टर्मिनल है, प्लस ये रहा रेड वाला और ये माइनस है। तो प्लस की ना अंकल जी देखो पेज निकला होगा, इसको हिलाओ, ये निकला हुआ है, निकला है। तो जो नट है ना हमको बस वो लेके आना है, ये जो नट है ना देखो इधर लगा हुआ है, इधर वाले में नट नहीं है, बस अंकल को वैसे ही वाला नट लेके आना है। और जो ये बैटरी है ना, आई थिंक ये भी अंकल जी खराब हो गई है H2 की। भाई मैंने जो लास्ट राइड थी ना संडे की, आई थिंक मैंने वो 3-4 महीने पहले करी थी, उसके बाद भाई अभी ऐसा है कि मेरा एक बीच में कुछ इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद में आज तक मैंने बाइक ही नहीं चलाई। पापा मम्मा मेरे को इतने हो गए हैं स्ट्रिक्ट कि भाई बाइक नहीं चलानी। बट जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी यार, मतलब जितने हर यूट्यूबर है ना सब इसके पीछे पड़े हुए हैं कि H2, लेकिन जो ये ब्यूटी है ना इसका कोई तोड़ ही नहीं है, प्यार है ये। मम्मा वाटर मेलन खाती है, पकड़ी गई आज दोबारा। और मम्मा बात कर रही हैं अपनी बहन से। मम्मा ये बाय द वे अंकल अभी ये लेकर आ गए, इसको हमने लगा दिया पूरा, ये फिक्स कर दिया है, लेकिन अभी भी इसको अगर हम कर रहे हैं तो मतलब बैटरी आई थिंक डाउन ही पड़ी हुई है, तो इससे एक बार ऑन करके देखते हैं। फिर एक काम करो, अगर इसे हो जाती है ऑन तो ठीक है, इसको आप चार्जिंग पे दे आना, और अगर इससे ऑन नहीं होती तो बैटरी कल नहीं आ जाएगी। ये लगाते ही देखो ये आ गया, एक बार ऑन भी हो जाएगी फिर तो आराम से। बाइक बंद कर दी और दोबारा ऑन करूंगा तो देखते हैं ऑन होती है या नहीं होती। नहीं देखो ये दिक्कत है बैटरी के अंदर। अब देखो बैटरी दिखाता हूँ मैं चार्जिंग के लिए एक लास्ट फाइनल बार, अगर इसके बाद भी बाइक ऑन नहीं होती तो फिर बैटरी नहीं आ जाएगी, बिकॉज भाई आई थिंक जो बैटरी है उसकी चार्ज खत्म होगी, बिकॉज बाइक बहुत दिनों से ऑन भी नहीं हुई थी ना। बार बार की बैटरी की जो हरकत है ना, इससे अच्छा एक ही बार बैटरी ही चेंज करा लेते हैं, तो एक बार बैटरी शॉप पे चलते हैं, अगर आज मिलती है तो ठीक है, नहीं तो उनको ऑर्डर कराते हैं। ये बैटरी का मॉडल है तो इसके साथ में अगर हमको सेम मिलती है बढ़िया या ये सेम कंपनी की तो ले आएंगे। अंकल जी चौमिन, चौमिन कैसे है भाई? अंकल जी ने खाई है पहले? हाँ। मुझे तो कह रहे पहली बार खा रहा हूँ मैं, टेस्ट कराया था और अच्छी लगी थी। तो ये आपको क्या हो रहा है? पूरा टेस्ट रिव्यू ये पीने के बाद थोड़ी ऐसी हरकतें कर, इनको तो अंकल सब पता होगा, आपको गाली वाली भी देते हैं ना ये अलग से, तो अंकल जी क्यों इनको तो सता रहे हो आप? तो ये वाली बैटरी अभी आप भैया के पास शॉप पर आया हूँ, ये देख रहे हैं कि ये सेम मिल जाएगी या नहीं, ये कहीं ऊपर ऊपर ना है ना, ये देखना पड़ेगा। हाँ ये वाली सेम है, ये ऐसे सेम है। ठीक है, गारंटी है भैया जी?
तो गाइस अभी बैटरी ले ली है, अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ मॉल और बैटरी ना बाद में लगाएंगे क्योंकि भैया ने हमको गारंटी दी थी कि कोई बात नहीं अगर नहीं लगी तो वापस कर जाना। तो सबसे अच्छी बात ये है यहाँ की दुकान की लाइट है। भाई मैं ना जारा में आया था आज बिकॉज यहाँ पे सेल चल रही थी और यहाँ पे एक घंटे की तो सिर्फ बिलिंग की लाइन है। मैं तो यहाँ से निकल ही रहा हूँ, यहाँ पे सब कुछ ना ब्लैक फ्राइडे सेल कुछ चल रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आया था। मैं अभी फूड कोर्ट में आया हूँ, मैंने बर्गर पैक करवा लिया है और यहाँ से मैं सीधा पता कहाँ जा रहा हूँ। भाई तो जल्दी आ जा, मैं आया था और यहाँ पे गुड्डा है। वैसे यही नहीं हर जगह ब्लैक फ्राइडे सेल का चल रहा है माहौल, बट जारा में तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। तो मैं अभी सबसे पहले घर जा रहा हूँ अपने, वहाँ पे जो गाड़ी है वो ड्रॉप कर दूंगा, फिर मैं कैब से जाऊंगा बिकॉज चिराग भी मुझे कह रहे हैं कि तू गाड़ी कहाँ लेकर आएगा, फिर मैं तो छोड़ दूंगा रात को। तो ठीक है वो भी, बाकी सबसे पहले घर जाकर मैं बैटरी लगानी है H2 में, और अगर H2 बैटरी लगा के वो कंपेटेबल हुई और लग जाती है तो सबसे अच्छी बात है। और बाकी इसके बाद चिराग भी बस निकलते हैं, पता नहीं क्या बात हुई है ऐसी, कह रहे जल्दी आ जा। गाइस बैटरी तो एक परफेक्ट फिट आ गई है इसके अंदर, बस अब हमें ना एक बार टर्मिनल्स लगाने हैं और बस ये देखना है कि ये जो बैटरी है ये से सीट लग पाती है नहीं लग पाती, बिकॉज थोड़ी ना ऊंची है यहाँ से अगर आप देखो। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम जो मेरे को फेस हो रही है। अब ये देखो इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ये देखो ये लग रही है ठीक है, अब यहाँ पे देखो गैप आ रहा है बिकॉज ये जो है ना बैटरी ये ऊंची है, ये पूरा बड़ा है, पहले वाली बैटरी में ये नहीं था तो इसकी वजह से पूरी दिक्कत आ रही है। इसको मैंने दोनों तरफ लगा के देख लिया, ऐसे भी बट नहीं लग रही है, तो हमको बैटरी दूसरी ही लेके आनी पड़ेगी, ये किसी काम की नहीं है। जो बैटरी बाइक के साथ में आती है दैट इज वेरी हार्ड टू फाइंड इन इंडिया। मैंने जब कावासाकी वालों को पूछा था तो दे वाला कि मिल तो जाएगी बट इसी को भी चला लो तो अभी देखते हैं कि क्या सीन बनता है, बट ये तो फिलहाल बैटरी नहीं लग रही है, मतलब ऑन हो रही है बाइक, इससे कोई दिक्कत नहीं। आपको वजह मैंने बताया बैटरी तो लग नहीं रही है, तो कह रहे हैं कि जो बैटरी बाइक के साथ में आई है ना उसी का ऑर्डर प्लेस करो, मीनवाइल जो बाइक में बैटरी आई थी उसको चार्ज करवा के उसको लगा लो। तो अब जो बैटरी है वो कावासाकी वालों से बात करता हूँ कि उसी को अरेंज कराएं, बिकॉज जो बैटरी बाइक के हाथ में आ रखी है ना सिर्फ उसी को लगा, आपका कहने वही सबसे बेस्ट रहता है। इसमें क्या दिक्कत है? ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? तेरे को ग्रीन कलर सूट नहीं करेगा, इतना तो बढ़िया कवर लाया हूं। मैं क्लब रोड तो आ गया हूं, अब पता नहीं चिराग भैया कहां पर है। भाई आपके लिए बिल्कुल गर्मा गर्म बर्गर लेकर आया हूं मैं। I am Don. आप ठीक हो भैया? तबीयत कैसी है आपकी? भाई ने ढाबे से गट्टे पैक कराए हैं। कह रहे गट्टे खाऊंगा आज। चलो चलो कोई बात नहीं। भाई मैंने ले लिया आलू प्याज दान थाली, बाकी इन्होंने पूरा पैक करा लिया अपना खाना। कह रहे गट्टे खाऊंगा। 435-15 रुपए। भाई जरा आप खुद देखो ये क्या है इसमें ऐसा 450 रुपए का, ना इस पे स्टारबक्स का लोगो बना हुआ और ना नॉर्मल से रेडी है ये ग्लास पे लगाने के लिए। यहाँ पे देखो जगह है तो सर ग्लास पे लगा दो, बट इसमें ऐसा क्या है ये? वो बोलते हैं ना कोट एक बहुत ज़्यादा फेमस है कि एवरी डे एंड्स विद अ न्यू लर्निंग, तो वही कुछ ऐसा ही हुआ कि हर दिन जो है तुम्हारा खत्म होता है एक नई कुछ सीख के साथ में। तो आज वही हुआ कि यार मैं सारे काम वगैरह छोड़ के अपने किसी के पास गया एंड थोड़ा मेरे को अजीब लगा। बाय द वे ये डिनर है मेरा, मैं थाली लेकर आया था बट क्वांटिटी जरा देखो कितनी ज्यादा है ना। वैसे आज मेरा मन था निकालने का ऑडी बट वो बिल्कुल पीछे खड़ी हुई थी, मेरे को अंकल ने बोला कि भैया BME निकाल लो, तो आई थॉट कि ठीक है कोई देखती है निकाल लेता हूँ, बट वैसे मेरा आज ऑडी चलाने का बहुत ज्यादा मन था। और रही बात H2 की बैटरी की, तो बैटरी की बात हो गई है मेरी एक जगह, वहाँ से बैटरी है वो आ जाएगी, बाइक की बैटरी लगा देंगे और खत्म करता हूँ अपने आज के ब्लॉग को, यहीं पे ही मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय एंड स्टे सेफ गाइस, बाय बाय।